ना चाहते हुए भी पता नहीं मैंने क्यों एक और प्यार मोहब्बत की कोरियन वेब सीरीज देख ली यार। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं माई डीमन वेब सीरीज के बारे में, जो एक ऑब्वियसली कोरियन वेब सीरीज है। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और इसमें 16 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो 1 घंटे के आसपास है और कुछ कुछ एपिसोड तो 1 घंटे को पार कर चुके हैं। यार इन सीरीज को तुम सीरीज क्यों कहते हो, टीवी सीरियल क्यों घोषित क्यों नहीं कर देते यार? इतने टाइम इसको देखना पड़ता है, इतना ज्यादा टाइम इसको देना पड़ता है, तो यार सीरियल कहना ही ज्यादा सही रहेगा। अब देखो यार, मैंने कोरियन वेब सीरीज की इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली सीरीज देख रखी है तो मुझे नहीं देखनी थी कोई भी। मुझे अभी एक तरीके से होता ना यार, ब्रेक चाहिए, बस यार हो गया यार, इतना ज्यादा और ये मीठा मीठा स्वीट स्वीट सा कंटेंट बर्दाश्त नहीं होता, यही फीलिंग थी। बट मैंने सोचा यार, जो मैंने ऑब्वियसली कोरियन वेब सीरीज की जो इतनी लव मोहब्बत प्यार मोहब्बत वाली वो सीरीज देखी है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लड़का अमीर होता है लड़की गरीब होती है, या फिर हमें कभी उल्टा देखने को मिलता है, लड़की अमीर होती है लड़का गरीब होता है, और इन दोनों में से किसी न किसी एक को तो कोई ना कोई भयानक बीमारी होती है, फिर इनका कोई भयानक पास्ट होता है, वही सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो मुझे ये जो माई डीमन था, मुझे देखने को लगा कि यार ये एक फैंटेसी के ऊपर आधारित है, इसमें पावर पूर हमें देखने को मिलने वाली है, डीमन यानी शैतान देखने को मिलने वाला है, ऑब्वियसली इसके अंदर कहानी थोड़ी सी अलग होगी, तो मैंने इसको देखने का फैसला किया। तो अभी बात कर लेते हैं फिलहाल इसकी कहानी की। तो देखो यार, एक डीमन है जो 200 साल से जिंदा क्या मतलब, 200 साल से एक डील करता आ रहा है लोगों से कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, एक विश जो है तुम्हारी मैं पूरी कर दूंगा और उसके बदले 10 साल बाद आके तुम्हारी आत्मा को मैं लेके चला जाऊंगा नर्क में। ये एक डील करता आ रहा है 200 साल से लगातार, बिना थके बिना हारे बिना किसी से प्यार के। अब 200 साल बाद इसको एक लड़की मिलती है जिससे इसकी पावर स्विच हो जाती है, स्विच मतलब कि वो उस लड़के के पास इसकी डीमन की पावर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, इन दोनों का कोई पास्ट है या नहीं है, इनकी पावर आपस में क्यों, मतलब जो डीमन की पावर है वो लड़की के पास क्यों गई, और ये जो लड़की है जिसका नाम दो दोही को देखने के बाद भाई साहब डीमन का जो दिल है वो एकदम से धड़कने लग जाता है, और ऐसा क्या है भाई साहब, इनका कनेक्शन ऐसा क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब तो आपको इस सीरीज को देखोगे तभी जानने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छी अच्छी बातों की बात करें तो देखो यार, ये सीरीज 6 से लेके 7 एपिसोड या 8 एपिसोड तक तो हाँ बहुत अच्छी है, एक इंटरेस्ट बना रहेगा, एक नई तरीके की कहानी देखने को मिलेगी, एक डीमन देखने को मिलेगा, भाई साहब वो डील कर रहा है उसकी क्या कोई पास्ट था, वो सब चीजें हमारे सामने आती है, तो एक इंटरेस्ट बनता है, बहुत मजा आता है स्टार्टिंग के 6 से 7 एपिसोड या 8 एपिसोड तक तो वाकई में काफी ज्यादा मजा आता है, फिर लास्ट के 2 एपिसोड में कह सकता हूँ कि वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक और हमारे सामने सरप्राइज निकल कर आते हैं, मतलब इसमें जो सरप्राइज हैं रखे गए हैं और जो सरप्राइज हमने सोचे भी नहीं होते वो सब हमारे सामने आते हैं, तो वास्तव में ये सीरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग हमें लगती है। इसके अलावा सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक दिया गया एक डीमन को लेकर वो भी बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हाँ डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें, कमियां क्या है इस सीरीज में, तो देखो यार कमियों की बात करें तो देखो इस सीरीज में जो डीमन है उसको यार डीमन के तरीके से दिखाओ ना, एक शैतान एक हैवान के तरीके से दिखाओ यार, उसको भी तुमने वो प्यारा प्यारा सा वो स्वीट स्वीट सा वो मीठा मीठा लोंडा करके दिखा दिया तुमने यार, शर्म करो यार उस चीज को। फिर यहां पर जो डीमन की पावर है वो भी एकदम नल्ली पावर दे रखी है, वो अपनी पावर से कर क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ सफाई, इसके लिए डीमन बना रखा था तुमने उसको। मुझे लगता है कि जो मेकर्स हैं उन्होंने अपना VFX का खर्चा बचाने के लिए सिर्फ वो सफाई वाला एक पार्ट दिखा दिया इन्होंने, हाँ भाई बस हवा में चीजें उड़ रही हैं उसी से वो सफाई हो रही है, बस दिखा दिया इन्होंने कि ये डीमन है इसके पास यही पावर है। अगर ये डीमन वाला अगर पार्ट इस सीरीज में से हटा देना तो बस यही जो सीरीज है वो पुरानी जो घिसी पिटी मैंने कोरियन वेब सीरीज देखी है प्यार मोहब्बत वाली उसी सेम चीज के ऊपर आधारित ही आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद बस वही चीजें हमारे सामने आती हैं, लड़की कहती है मैं तुझसे प्यार नहीं करती तुम उससे दूर चला जा, फिर लड़का कहता है मैं तुझसे प्यार नहीं करता तुम उससे दूर चली जा तेरी जान को खतरा है, लड़की कहती तेरी जान को खतरा है, अरे यही देखने को चल रहा है क्या इस चीज के अंदर, हर कोरियन वेब सीरीज के अंदर देख लो लड़की उससे फिर दूर भागेगी, पहले प्यार करती है फिर वो उससे दूर भागने, अरे करे क्यों रही ये सब चीजें। और मैं सच कह रहा हूँ यार, ये 16 एपिसोड की बजाय इस सीरीज को अगर 10 एपिसोड में खत्म कर देते तो वाकई में ये सीरीज अच्छी होती, क्योंकि यार एक तरीके की कहानी जिसमें सरप्राइज है जिसमें एक डीमन है एक नई कहानी हमें देखने को मिल रही थी जो चीज अच्छी थी, लेकिन इसके बाद के जो एपिसोड है वो भाई साहब पका देते हैं, मतलब उनको स्किप कर करके देखना पड़ता है, बस खत्म हो जाए जल्दी से, इसकी लास्ट की एंडिंग देखनी है, ऐसी फीलिंग आने लगती है यार जो 8 या 10 एपिसोड बीतने के बाद। कुछ कुछ सस्पेंस जो इस सीरीज में वाकई में काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सरप्राइज जो है यार वो बिना वजह के थे, उसमें आप ऑब्वियसली आसानी से पकड़ लगे यार हाँ यार इसके पीछे ये है। तो मेरी तरफ से तो देखो यार इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ऐसी लगी, अगर नहीं देखी है तो आपको एक फैंटेसी टाइप की कोई सीरीज देखनी है कोरियन की तो आप बेशक इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।